लहसुन है इसको पानी में घोर के बना रहे हैं। हाँ हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा सिन्हा बोल रही हूँ। मैं कटहल के सब्जी बनाने जा रहा हूँ। कटहल के गर्म पानी में थोड़ा उबाल दिए हैं, अब इसको बेसन घोर लिए हैं, अब इसमें तलते हैं, कढ़ाई में तेल रखते हैं। यहाँ पर मटर को भी फ्राई करके रख लिए हैं, अब इसको रख देते हैं। ये दोस्तों बेसन मिलाए तो इसमें मरीच पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा नमक, जमाइन सब मिला के तब घोल बनाए। अब इसको कटहल को बेसन में डाल के कढ़ाई में डालते हैं, फ्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरा ये फ्राई हो गया, मैं इसका निकाल लेते हैं। दोस्तों अब मसाला फोरन डालने जा रहा हूँ मैं। ये इलायची है, ये बड़ी इलायची है, ये लौंग है, ये जीरा है, ये दालचीनी है, तेज पत्ता और लाल मिर्च इसमें डाल रहे। यह पत्रक लाल मिर्च मेरा भूज चुका है, अब मैं मसाला की तैयारी कर रही हूँ। पाउडर है 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच लाल मरीच पाउडर है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, सब मिला के इसमें हम घोल बनाते हैं। बिना लहसुन प्याज डाले हुए सब्जी बना रहे हैं, टेस्टी, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए इसमें कितना अच्छा से भून चुका है। देखिए थोड़े देर ले मसाला के भूनने के लिए छोड़ते हैं, तब मसाला पक जाएगा। मसाला भूज चुका है, अब इसमें हम धनिया पत्ता मिलाते हैं। मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ दोस्तों, अपना अनुसार नमक डाल के तब पानी डाल रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये तला हुआ है, वैसा ही खाने के लिए सूखा निकाल ली हूँ। अब रस पक चुका है, अब इसमें डाल रहे कटहल। सात मिनट के लिए दोस्तों इसको पकने के लिए ढक देते हैं। सब्जी बन के तैयार हो चुका है, अब मैं इसका बंद कर रहा हूँ गैस। कैसा लगा मेरे वीडियो, लाइक कीजिए, धन्यवाद।